शिष्य को गुरु से क्या प्रश्न करना चाहिए ठीक शिष्य को गुरु से क्या प्रश्न करना चाहिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि लोग गुरु के पास जाते हैं गुरु की खोज करते हैं गुरु की शरण में जाना चाहते हैं कुछ बातें उनको अपने ही परिवार से मिली हैं कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा गुरु की शरण में जाओ गुरु के बिना कल्याण नहीं होता तो इस प्रकार की बातों के वशीभूत इस प्रकार के संस्कारों के वशीभूत वो गुरु की शरण में जाते हैं लेकिन गुरु से प्रश्न क्या करना चाहिए गुरु से पूछना क्या चाहिए ये लोगों को नहीं पता तो कोई कुछ मांगता है गुरु से अब यही बात मैं पहले भी कह चुका हूं पिछले व्याख्यानों में भी मैंने कहा कि लोग गुरु के पास जाते हैं ज्ञान के लिए नहीं जाते माया के लिए जाते हैं संसार के लिए जाते हैं किसी के पास नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाए किसी के पास संतान नहीं है तो संतान मिल जाए किसी के पास किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाए धन नहीं है तो धन हो जाए किसी की काया रोगी है तो वो निरोगी हो जाए ऐसी कई मांगों को लेकर वह गुरु की खोज में लग जाते हैं कि कोई गुरु ऐसे मिल जाएंगे सारे दुख खत्म कर देंगे गुरु जी मिल जाएंगे और सारे दुख दूर हो जाएंगे सारे दुखों का नाश हो जाएगा कुछ ऐसी मान्यता लेकर वो चले जाते हैं तो क्या ऐसी सोच रखकर गुरु की खोज करना कि हमारे सारे दुखों को दूर कर दिया जाएगा सारी बीमारियां शरीर की दूर हो जाएंगी नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी पुत्र नहीं है संतान नहीं है तो संतति प्राप्त हो जाएगी विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा क्या ऐसी सोच रखकर क्या ऐसी कामना रखकर और ऐसी मांग गुरु के सामने क्या रखना चाहिए प्रश्न यह है देखिए गुरु और शिष्य के बीच का संबंध क्या है गुरु और शिष्य के बीच का संबंध ज्ञान से बनता है अगर बीच में ज्ञान ना हो तो ना कोई गुरु है और ना ही कोई शिष्य है शिष्य शिष्य तभी बनेगा जब गुरु से वह ज्ञान को प्राप्त करेगा और गुरु गुरु तभी बनेगा जब वह शिष्य को ज्ञान देगा अगर बीच में से ज्ञान ना हो तो फिर कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं बन सकता पहली बात तो आप ये समझ लीजिए इसलिए आपको गुरु के पास अगर जाना है तो ज्ञान के लिए जाना है अध्यात्म ज्ञान के लिए जाना है अध्यात्म ज्ञान नित्य ज्ञान दर्शनम्ञान मीति प्रोक्तम श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं अध्यात्म ज्ञान के द्वारा नित्य तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन होना एक ज्ञान यही तो ज्ञान है इसके अन्यथा जो कुछ भी है वो अज्ञान है ऐसा कहा तो ज्ञान उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें हम वहां पर गुरु के शरण में हम जाते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए हमें ध्यान चाहिए तो ये ज्ञान की प्राप्ति अनिवार्य है और ज्ञान की प्राप्ति हेतु ही लोग जाते हैं परंतु लोग भटक कर कभी माया मांगने चले जाते हैं कभी संतान मांगने कभी संसार की वस्तुएं मांगने चले जाते हैं और ये तो वैसे भी मिल जाएगा और यही सब प्राप्त करना है तो फिर माया में फंसने का ही तो काम हुआ माया में फंसने का ही तो काम हुआ फिर फिर मिला क्या तो ये समस्या फिर से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है ये बाधा फिर से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है जिज्ञासुओं गुरु के पास जाकर क्या लेना चाहिए ताली देखिए एक हाथ से नहीं बचती दो हाथ से बचती है जब आप कहते हो कि फलाने गुरु जी तो जेल में चले गए फलाने गुरु जी ने तो लोगों को ठग लिया एक हाथ से ताली नहीं बचती है कहीं ना कहीं लोग भी मूर्ख बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कोई सोचता है कि चलो इन सबको मूर्ख बना लेते हैं क्योंकि ये मूर्ख बनने के लिए तैयार है ये समस्या यहां पर आ जाती है और हम नहीं पहचान पाते कि भाई हमें किस गुरु की शरण में जाना चाहिए और जब हम गुरु की शरण में जा रहे हैं तो हमें गुरु से क्या मांगना चाहिए गुरु से हमें क्या मिलेगा अगर इस बात की सही सही जानकारी हो जाए तो भटकना बंद हो जाएगा भटकना बंद हो जाएगा फिर गुरु को लेकर भटकाव खत्म हो जाएगा फिर यही लोगों को नहीं पता और फिर वो गुरु के पास कुछ और मांगने चले जाते हैं वो संसार की माया मांगने चले जाते हैं वह नश्वर संसार को ही मांगते हैं मंदिर में जाकर वह क्या मांगते हैं संसार ही मांगते हैं तो चलो देवी देवताओं के सामने संसार की भोग वस्तुओं को मांगना गलत नहीं है क्योंकि देवी देवताएं देवता, देवता भाव युक्त हैं और वो उनसे भावनाओं की ही वृद्धि होती है और उस भावनाओं का लक्ष्य आकर्षित होता है तो उसकी प्राप्ति भी हो सकती है परंतु बात जब गुरु की आ जाती है तो गुरु के पास भी जाकर क्या वही सब मांगना है जी नहीं गुरु से ज्ञान मांगा जाता है गुरु की पहचान ज्ञान से है कोई चमत्कार से नहीं है कोई वेश धारण कर लेने से कोई गुरु नहीं है ना ही कोई चमत्कार कर लेने से बल्कि गुरु ज्ञान से उसकी पहचान है और वह ज्ञान ही देगा तो एक शिष्य को वास्तव में गुरु से क्या मांगना चाहिए आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर कुछ समझा रहे हैं लेकिन एक इतिहास भी अगर हम देखें कि शिष्यों ने जाकर गुरु से क्या मांग की गुरु से क्या मांगा नचिकेता जब यमाचार्य के पास पहुंचते हैं तो क्या मांगते हैं आत्मा का रहस्य बताइए मुझको आत्मा का रहस्य बताइए यमाचार्य मना कर देते यमाचार्य कहते हैं कि तू मुझसे धन वैभव ले ले पूरी पृथ्वी की सत्ता ले ले तो पूरी पृथ्वी का राज ले ले नौकर चाकर ले ले सब कुछ ले, ले। लेकिन यह मत मांग मुझसे आत्मा का रहस्य मैं तुझे नहीं बता सकता नहीं मानता है नचिकेता तो यमाचार्य कहते कि तू रिद्धि सिद्धियां ले ले तू देवताओं से भी बड़ा बन जा मैं तुझे इतना सिद्ध कर देता हूं नचिकेता उसके लिए भी मना कर देते कि नहीं मुझे तो इस आत्मा की गति जाननी है आत्मा क्या चीज है मुझे यही बताइए अंततः यमाचार्य को बताना ही पड़ता है तो शिष्य ने गुरु से क्या मांगा जब मीराबाई संत रविदास के पास पहुंची तो क्या मांगा वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु पायो जी मैंने राम रतन धन पायो क्या मांगा और रविदास ने क्या दे दिया तो शिष्य को गुरु से क्या मांगना चाहिए नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तो क्या मांगा क्या आपने ईश्वर को देखा है क्या आप जानते हैं ठाकुर ने कहा कि हां तुझसे भी करीब मैं उसे जानता हूं तुझसे तो भी करीब मैं उसे जानता हूं तो एक शिष्य जब गुरु के पास जाए तो क्या मांगे कौन सा ज्ञान मांगे क्या मांगे तो आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर वर्णन करते हैं समझाते हुए क्या कहते हैं आइए हम उसको गौर करते हैं विचार करते हैं कि क्या कहते हैं तो पहले हमने देखा कि भाई गुरु देता क्या है तो गुरु यहां पर शिष्य को बता रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योग इनको श्रुति मुमुक्षु भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है जो इन्हीं में स्थित हो जाता है उसका अविद्या कल्पित, अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा तो मोक्ष की जिज्ञासा शिष्य के वो प्रकट कर रहे हैं अज्ञान योगात परमात्मनस्तव हैनात्म बंधस्त एव संस्कृति तयोर दित बोध वहनी कार्यम प्रदहेत समूलम कि परमात्मा का तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण है उस शिष्य को भी वो परमात्मा कह रहे हैं कि अनात्म बंधन अज्ञान के कारण है उसी से तुझको संसार प्राप्त हुआ है जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है अतः उन आत्मा और अनात्म के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित तो भस्म ही कर देगा। बोध बोध जरूरी है। अब बोध कैसे आए तो शिष्य गुरु से प्रश्न करता है यहां पर शिष्य कहता है गुरु से कहता है और क्या कहता है कृपया श्रूयताम स्वामिन प्रश्नो अयम क्रियते मैया तदु तर महम श्रुत्वा कृतार्थ श्याम भवन मुखात हे स्वामी सुनिए मैं प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर मैं आपके श्री मुख से सुनकर कृतार्थ हो जाऊंगा मुझ पर कृपा करें और मेरे प्रश्न का उत्तर दें अब शिष्य प्रश्न करता है गुरु से क्या कहता है को नाम बंध कथमेश आगत कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष असावनात्मा परम का आत्मा तयोर विवेक कथ में बंधन क्या है को नाम बंध बंध क्या है बंधन क्या है सबसे पहला प्रश्न शिष्य का सबसे पहला प्रश्न बंधन क्या है इसीलिए अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा कि मुमुक्षता क्या है मुमुक्षता क्या है मोक्ष की कामना मोक्ष की इच्छा ही मुमुक्षता है मोक्ष की इच्छा ही मुमुक्षता है लेकिन मोक्षता कब आएगी जब बंधन का ज्ञान होगा तो सबसे पहला ज्ञान जो गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है वह बंधन का ज्ञान है कि बंधन क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है मोक्ष क्या है जीव क्या है ब्रह्म क्या है चित्त क्या है मन क्या है बुद्धि क्या है अहंकार क्या है ये सारी चीजें बाद में रख दो नंबर वन चीज समझना अगर है अगर ध्यान योग के मार्ग पर आप सफलतापूर्वक चलना चाहते हैं तो जो नंबर वन कंडीशन वह है मुमुक्षता आपके अंदर होनी ही चाहिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा आपके अंदर होनी ही चाहिए यहीं से सारी शुरुआत होगी यहीं से सब प्रारंभ होगा नहीं तो बड़ी बड़ी बातें वैराग्य की ब्रह्मचर्य की करना व्यर्थ है सुन लीजिए तो इसीलिए गुरु जी लोग शिष्य पर थोप दो देते हैं कि भाई तू तो बेटा ब्रह्मचर्य की पालन कर पहले ये तो चेक कर लो उसके अंदर मुमुक्षता कितनी है क्योंकि जिसके अंदर मुमुक्षता नहीं है जिसके अंदर मुमुक्षता नहीं है उसके अंदर वैराग्य ब्रह्मचर्य इन सब का सही से हो पाना शम दम आदि तितिक्षा आदि का हो पाना जिसे षट संपत्ति कहते हैं षट संपत्ति जिसे कहा गया है इन सब का हो पाना सहज नहीं है आसान नहीं है कि किसी के अंदर अपने आप ब्रह्म जब तक उसके अंदर सही मायनों में मोक्ष की कामना नहीं होगी और मोक्ष की कामना कब तक नहीं होगी मोक्ष का तात्पर्य है मुक्ति मुक्त बंधन को नष्ट कर देना मोक्ष है मोक्ष की कामना तब तक नहीं होगी जब तक बंधन का ज्ञान नहीं होगा तो बंधन का ज्ञान होना अनिवार्य है आप शरीर के बंधन में हैं। आप इंद्रिया ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रिया कर्म संस्कार और यह शरीर इन सबने आपको कैद खाने में जकड़ के रखा हुआ है लेकिन दुर्भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप तो कैद खाने में ही मजे ले रहे हैं एक ही मुंह दिया है एक ही मुंह दिया है खाने के लिए अगर ये खराब हो जाए तो कोई रास्ता नहीं है डॉक्टर लोग यहां पर छेद कर कर गले से फूड पाइप लगा देते भाई यहां से खा तू अब ये तो तेरा खराब हो गया ने किसी, किसी को छाले पड़ गए तो किसी को कोई दूसरी बीमारी अल्सर माउथ अल्सर हो जाता है लोगों को कैंसर हो जाता है गले में तो बेचारे कुछ खा नहीं पाते हैं यहां फूड पाइप लगा दिया जाएगा और उसके माध्यम से वो बेचारा खाएगा इतना बंधन है अगर दो चार मुंह दिए होते तो ये समस्या नहीं होती और आपके हाथ में भी नहीं है कि आप दो चार मुंह ले आए अब अब आप इस बंधन में सोचते हैं कि मैं दुनिया पे राज करूंगा आप इस बंधन में सोचते हैं कि मैं दुनिया पे राज करूंगा मैं दुनिया जीत के दिखाऊंगा मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा मुझे ऐसा करना मुझे वैसा करना तुम्हारा जीव तुम कैद कैद खाने में रह रहे हो सजा भोग रहे हो शरीर के माध्यम से थोड़ा सा मजा मिल जाता है तो तुमको लगता है कि भाई ये मजा ही मिलना चाहिए इसी में जिंदगी है तुम तो कैदी बेचारे कैदी को ये एहसास ही नहीं हो पा रहा कि वो कैद खाने में पड़ा हुआ है कैदी को ये एहसास ही नहीं हो पा रहा कि वो कैद खाने में पड़ा हुआ है लेकिन एक दिन होगा जरूर प्रकृति सबका हिसाब रखती है और सबको एक ना एक दिन यह एहसास दिला देती है कि यू आर ए प्रिजनर इन दिस बॉडी यू आर ए प्रिजनर इन दिस बॉडी इस शरीर में तुम बंधक हो इस शरीर में तुम कैदी हो सजा भोग रहे हो और जिस दिन यह समझ में आना शुरू किया कि तब उस दिन एक सच्ची कामना पैदा होगी मुक्ति की मोक्ष की तो अगर मुमुक्षु बनना है तो उसका सबसे पहले शुरुआत यह है कि आप बंधन का ज्ञान पता करिए कि बंधन क्या है जिस दिन बंधन का सही सही ज्ञान हो जाएगा उस दिन मुक्षता प्राकृतिक रूप से आपके अंदर पैदा हो जाएगी जबरदस्ती नहीं कई बार मैं देखता हूं कि लोग उससे पूछो क्या आपको ईश्वर से प्रेम है बोलेंगे हां बिल्कुल हमें ईश्वर से प्रेम है बिल्कुल हमें ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति सनातन धर्म का लक्ष्य ही नहीं है लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति बंधन से मुक्ति या जो इंद्रियों का बंधन है भावनाओं का बंधन है संकल्पों विकल्पों का बंधन है कर्म संस्कारों का बंधन है शरीर का बंधन है इंद्रियों का बंधन है इस अनेक प्रकार के एक नहीं अनेक प्रकार के बंधनों से बांधा हुआ है इस जीव को तभी उसका जीवत्व बोध रहता है अहंकार रहता है तो यह गति है और बंधन युक्त है यह जीवन तो सबसे पहला प्रश्न शिष्य का क्या है कि बंधन क्या है तो शिष्य प्रश्न करता है को नाम बंध कथमेश आगत कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष बंधन क्या है और यह बंधन कैसे बना यह बताइए यह बंधन कैसे बना इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिलता है इस बंधन से मुक्ति कैसे मिलता है फिर क्या पूछता है अनात्मा क्या है अनात्मा को सावनात्मा परमह का आत्मा परमात्मा क्या है और उनका विवेक कैसे होता है आत्म और अनात्म वस्तु का विवेक कैसे होता है कृपया मुझे इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए यह शिष्य का प्रश्न है यह शिष्य का प्रश्न है तो शिष्य का प्रश्न कैसा होना चाहिए यहां पर हमें पता चलता है गुरु से क्या पूछना है कि गुरुदेव पहले तो यह समझा दो कि बंधन क्या है फिर यह समझा दो कि यह बंधन बना कैसे या बंधन बना कैसे यह समझा दो भैया ये आप मैं इस कैसे माया जाल में बसे कैसे मैं पैदा ले लिया और क्यों मैं दुखों को भोग रहा हूं क्यों मैं इस शरीर में आया हूं ठीक है मुझे ये समझा दो कि बंधन बना कैसे और जब बंधन बन गया तो इस बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी ये बता दो फिर यह आत्मा क्या चीज है परमात्मा क्या चीज है आप इनका इसका उत्तर मुझको दे दो ठीक है तो इस प्रकार के प्रश्न जो है शिष्य गुरु से कर रहा है और जब ऐसा प्रश्न गुरु से कर रहा है तो गुरु प्रसन्न हो जाता है जो सच्चा गुरु होगा वो प्रसन्न हो जाएगा जो सच्चा गुरु होगा वो प्रसन्न हो जाएगा ठीक तो फिर गुरु प्रसन्न हो जाता है प्रसन्न होकर गुरु क्या कहता है गुरु शिष्य से क्या कहते धन्यो धन्यो असी असि कृत्यो असी ते त्वया यद विद्या बंध मुक्तया ब्रह्मी भवि तू अर्थात तू धन्य है तू कृत्य कृत्य है तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया है क्योंकि तू अविद्या बंधन से छूटकर कर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है तू अविद्या रूपी बंधन से मुक्ति चाहता है तू बंधन का ज्ञान करना चाहता है कि बंधन क्या है जीवन में इसलिए तेरा कुल धन धन्य हो गया कि तुझे प्राप्त कर कर तेरा कुल भी धन्य हो गया और गुरु भी धन्य है जिसको ऐसा शिष्य मिले जो ऐसा प्रश्न करे ऐसी जिज्ञासा रखने वाला हो ऐसी जिज्ञासा रखने वाला हो तो गुरु के पास जाकर शिष्य को क्या मांगना चाहिए कैसे प्रश्न करने चाहिए विवेक चुड़ामी में आदि गुरु शंकराचार्य इस पर चर्चा कर रहे हैं इसको बता रहे हैं तो हम भी अगर हमें भी अगर गुरु चाहिए हम गुरु के शरण में जाना चाहते हैं तो ये नहीं कि ये चमत्कार हो जाएगा वो चमत्कार हो जाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे तो देवी देवता प्रकट हो जाएंगे तो ये शक्ति मिल जाएगी तो वो शक्ति मिल जाएगी तो ये जागरण हो जाएगा जी नहीं शिष्य को गुरु से यही पूछना चाहिए गुरुदेव ये बताओ कि बंधन क्या है यह बताओ कि मोक्ष कैसे मिलेगा आत्मा क्या है इस तरह के प्रश्न अगर शिष्य करेगा तो फिर और यह बंधन बनता कैसे है कैसे बंधन बन गया इन सभी प्रश्नों का उत्तर अब आदि गुरु शंकराचार्य अपने इस महान ग्रंथ विवेक चुड़ामी में देंगे अद्वैत वेदांत का शंकर अद्वैत का श... प्रमुख ग्रंथ माना जाता है तो आदि गुरु शंकराचार्य बताएंगे कि भाई कैसे बंधन बना किस प्रकार से क्या हुआ लेकिन वो उससे पूर्व अपने शिष्य की शिष्य की प्रशंसा करते हैं कि धन्य है तेरा कुल धन्य है कि तेरे मन में मोक्ष की कामना मुमुक्षता आ गई सिर्फ कहने से नहीं हो जाता कि हमें मोक्ष चाहिए और हमें ईश्वर से प्रेम है कहने से नहीं हो जाता कहना बड़ा सरल है बोलना बड़ा आसान है लेकिन होना इतना सरल नहीं है होने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है ठीक है तो इसीलिए जिज्ञासु इस पर जरूर विचार करें और ऐसी और जो गुरु ऐसे प्रश्नों का उत्तर देता है ऐसे गुरु की खोज करें यह नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा चलो थोड़ा सा आप YouTube पे हैं तो YouTube को ज्यादातर जो लोग देखते हैं वो शहरों के लोग होते हैं गांवों के लोग नहीं होते लेकिन इस बात की सबसे भारी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में है गांवों के क्षेत्र में बहुत भारी समस्या है अनेक गुरु लोग वहां पहुंचते हैं और वो उनके शिष्य बनते हैं मंत्र ले लेते हैं और लेकिन कुछ अध्यात्म का नहीं पता कुछ जीव क्या मन क्या बुद्धि क्या चित्त क्या अहंकार क्या कुछ भी नहीं पता कोई तत्वों की चर्चा ये सब तत्व चर्चा के अंदर ही आएंगे पंचभूतों की चर्चा जब होगी मन बुद्धि चित्त अहंकार की चर्चा जब होगी आत्मा की चर्चा जब होगी तो तत्व चर्चा का विषय बनेगा तो जो है कुछ ही किसी बात से मतलब नहीं बस एक बात भरी हुई अरे गुरु बनाना जरूरी है तो मेरी पड़ोसन ने यहां पर बनाया है गुरु तो चलो मैं भी चल पड़ती हूं पता कुछ भी नहीं है कि गुरु से क्या मांगना है गुरु से क्या नहीं मांगना है गुरु से क्या लेना है गुरु से क्या नहीं लेना है पता कुछ भी नहीं है ठीक कोई कुछ मांगता है कोई संतान मांगता है कोई पैसा मांगता है कोई नौकरी तो इस तरह से मांगने के लिए लो लोग लोग चले जाते हैं गुरु 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 के के शरण में पास फिर गुरु जी भी ऐसे खड़े हो जाते हैं कि भाई चलो खड़े हो जाते हैं लोग जब मूर्ख बनने के लिए तैयार है हम भी थोड़ा मूर्ख बना ही लेते हैं क्या दिक्कत है ऐसे भी लोग खड़े हो जाते हैं फिर आप कहते हो कि भाई नहीं संत गुरुओं ने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया अरे उन्होंने क्या कर दिया भाई हमको गुरु की सही पहचान इतना तुलसीदास तो जी ने रामचरित मानस में वेश प्रपंच के ऊपर बहुत कुछ लिखा आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंदम स्त्रोत में वेश प्रपंच पर लिख रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी समस्या ये है कि जब तक कोई आपके सामने भगवा कपड़ा पहनकर दाढ़ी बाल बढ़ाकर माथे पे एकदम कुछ ऐसा लगाकर वेश धारण करके नहीं आएगा आपको लगेगा नहीं कि ये गुरु जी हैं आपकी समस्या ये है आपको ये नहीं लगेगा कि ये गुरु जी हैं ठीक तो इस समस्या से निकल यही सुखदेव मुनि की समस्या थी और यही बात समझाने के लिए वेद जी ने कहा कि भाई राजा जनक के पास जाओ वहीं से तुम्हें ज्ञान मिलेगा और उन्हीं राजा जनक का दर्शन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण द्वारकाधीश से उठकर चले आते हैं द्वारकाधीश द्वारिका से उठकर चले आते हैं मिथिला में राजा जनक का दर्शन करने के लिए तो वेदांत में अद्वैत व्याख्या में जनक का बहुत ही प्रतिष्ठित और ऊंचा स्थान है भारतीय दर्शन में भारतीय अध्यात्म में सनातन धर्म में जनक का बहुत ही ऊंचा स्थान है इसीलिए इसीलिए श्री कृष्ण भी अपने भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हुए जनक का ही एक उदाहरण लेते हैं तो ये जो है इस प्रकार से यह जाना पड़ता है सुखदेव मुनि को राजा जनक के पास समझने के लिए लेकिन आज के समय में हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि हम वेश देखकर किसी को गुरु मानेंगे बाहरी व्यवहार देखकर हम किसी को गुरु मानेंगे ज्ञान से कोई मतलब नहीं ज्ञान से कोई लेना देना नहीं मार्ग सोई जाके जो भावा पंडित सोई जो गाल बजावा मिथ्याारंभ दम्बरति जोई ताकेव संत कहे सब कोई गोस्वामी तुलसीदास तो जी उत्तरकांड में लिखते हैं और भी बहुत सारी बातें लिखे मानस व्याख्या पर आएंगे तो बहुत कुछ उसमें से चर्चा होगी तो जिज्ञासु विचार कर लेना चाहिए सोच लेना चाहिए हमें समझ लेना चाहिए और समझ सोच कर ही हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए हमें गुरु के ऐसे नहीं जाना चाहिए पानो पियो छान कर गुरु करो जानकर कहा गया है कुछ इस तरह की बातें ठीक है तो इसलिए हमें भी ऐसा ही विचारधारा रखकर ही गुरु की नहीं तो फिर हम दिक्कत में आ जाएंगे और गुरु से क्या पूछना कई बार हम भी गलत होते हैं ना गुरु जी ही गलत है ऐसी बात नहीं हमारे अंदर भी कमियां होती है गुरु से क्या मांगना है क्या पूछना है हमें हमें ही नहीं पता तो इसीलिए आज का जो विषय है विवेक चूड़ामणि पर आधारित तो यही विषय है कि शिष्य ने गुरु से क्या प्रश्न किया शिष्य ने गुरु से क्या प्रश्न किया तो शिष्य का प्रश्न है को नाम बंध कथमेश आगता कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष को असावनात्मा परम का आत्मा तयोर विवेक कथ दुच्य आत्मा दुच्चताम बंधन क्या है बंधन कैसे बन गया और बंधन की स्थिति कैसी है और इससे मोक्ष कैसे मिलेगा मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए आत्म क्या है अनात्म क्या है अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है मुझे इसका भी प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आत्मा और अनात्मा क्या होता है इन सब विषयों पर शिष्य ने प्रश्न किया और ऐसा प्रश्न करने पर गुरु प्रसन्न हो गए और गुरु ने प्रसन्न होकर क्या कहा गुरु ने कहा कि धन्यो असी कृत्य कृत्यो असी पवितम ते यद विद्या बंध मुक्तया ब्रह्मी भवि तु मिक्षसी तू धन्य है तू कृत्यकृत्य है तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है इसीलिए तू धन्य धन्य है हे शिष्य तू कृत्य कृत्य है इस प्रकार से उसकी प्रशंसा की उसके प्रश्न की प्रशंसा की कि गुरु से तूने ऐसा प्रश्न किया जो प्रश्न करना चाहिए वही प्रश्न किया तो हमें भी यह विचार कर, कर गुरु के पास जाकर हमें कैसा प्रश्न करना चाहिए अगर हमें सही से जानते हैं तो निश्चय ही मुझे लगता है मुझे लगता है अगर आप सुधर गए अगर आप सुधर गए देश के लोग अगर इस बाबरे में जागरूक हो गए तो देश में फिर ऐसे गुरुओं का को मौका नहीं मिलेगा जो शास्त्र विहीन पद्धति से शास्त्रविहीन पद्धति का मतलब शास्त्र विचारों से विहीन गुरु बनने की होड़ में लग जाते हैं उनको कहीं ना कहीं आधार मिलता है तभी वो बनते हैं उनको ऐसे चेले मिल जाते हैं जो जानते वानते नहीं और उनके उनके चक्कर में पड़ते हैं तो इसीलिए हम अगर इस बात में जागरूक रहेंगे तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमें हमें अपने समाज में मिलना शुरू हो जाएगा कई जगहों पर मैं देखता हूं कि लोग पहले से जागरूक हुए हैं लेकिन अभी भी वास्तविक जागरूक जागरूकता नहीं दिखाई देती है वास्तविक जागरूकता नहीं दिखाई देती है और इस कारण से कहीं ना कहीं लोग जो है भ्रमित होने की संभावना बनी रहती है फिर ज्ञान को महत्व दो वेश को महत्व मत दो हो सकता है कि वेश में हो गुरु हो सकता है कि कोई बहुत परम ज्ञानी जो है दाढ़ी बाल बढ़ा करो उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया और उनको महान ज्ञान भी प्राप्त ऐसा भी हो सकता है लेकिन आप कपड़े को महत्व मत दो आप दाढ़ी बाल देखकर मत जाओ आप भीड़ देखकर मत जाओ आप ज्ञान को लेने जाओ और ज्ञान ही मांगो कि बंधन क्या है बंधन कैसे बनता है बंधन की स्थिति क्या है मोक्ष कैसे होगा अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है दो विषय अनात्मा आत्मा कौन सी चीज आत्मा नहीं और कौन सी चीज आत्मा है तो मन आत्मा नहीं बुद्धि आत्मा नहीं चित्त आत्मा नहीं मनोबुद्धि अहंकार चित्ता ने ना हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम तो इस प्रकार से कहा गया तो ये सब हमें विचार करके हमें गुरु के पास जाना चाहिए और सही चेष्टा रखनी चाहिए सही इच्छा रखनी चाहिए सही विचार हमें रखना चाहिए तभी जाकर लाभ है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को देख लेते हैं मित्रों तो ये चीज़ है विक्रम सिंह जी बहुत बहुत अभिनंदन है गौरव जी विक्रम सिंह और गौरव की तरफ से अभिनंदन है आपका गौरव गुरु क्या जीवन में होना बहुत जरूरी है बिना गुरु के सही ज्ञान सही रास्ता नहीं मिल सकता देखिए बिना गुरु के सही ज्ञान सही रास्ता कहां से मिलेगा नहीं मिल सकता बात सही है लेकिन गुरु कई रूप में हो सकते हैं ना सही रास्ता दिखाने में हमारे शास्त्र भी सहायता करते हैं कोई भी और भी हमें बता सकता है आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ आपको मार्ग बता ही रहा हूं ठीक है तो इस प्रकार से सही रास्ता सही मर्म समझाने वाले कई प्रकार से लोग आ सकते हैं लेकिन जो समाज में जो प्रचलित है कि गुरु होना जरूरी है तुम कहीं ना कहीं गुरु जी के पास जाओ कोई मंत्र मंत्र दीक्षा लो कोई लॉकेट वॉकेट तुम पहनो तो यह जो बंधन दिया जाता है वह अनुचित है वह अनुचित है और अभी आप ये चर्चा सुनिए बहुत सुंदर चर्चा है यह बहुत सुंदर चर्चा है विवेक चुड़ाम के अंतर्गत अभी बहुत सुंदर चर्चा है तो अभी इसमें चर्चा अभी आएगी ठीक है अभी और भी बहुत सारी बातें आएंगी अभी तो देखिए सुनिए अभी हमने क्या सुना कि गुरु ने शिष्य को समझाया शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि भाई बंधन क्या है मोक्ष क्या है गुरु ने पहले प्रशंसा की थी अब गुरु उत्तर देंगे और उस उत्तर में गुरु क्या उत्तर देते हैं विवेक चुड़ा मणि में इतना सुंदर उत्तर दिया गया है कल हम उस चर्चा को लाएंगे आज मैं लूंगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा उस विषय पर तो गुरु ने उत्तर क्या दिया है अगर वो उत्तर समझ में आ जाए ना तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा गुरु होना जरूरी है कि नहीं गुरु होना जरूरी है लेकिन जिस तरह से समाज में प्रचार होकर रखा है कि गुरु बनाना जरूरी है कहीं भी गुरु पकड़ो मंत्र लो दीक्षा लो ठीक है मंत्र दीक्षा जल्दी से लो जाप करो और कोई गुरु जी से मतलब नहीं ऐसे ऐसे गुरु जी लोग हैं हमारे देश में कि जो आपको मंत्र देते हैं आपको माला देते हैं कि भाई ये लो और माला पहन लो और वो कर लो तो शिष्य ने बोला कि गुरु जी क्या मीट खा सकते हैं नॉन खा सकते हैं तो गुरु शिष्य ने पूछा गुरु जी से खा सकते हैं तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है ये माला वाला उतार देना और फिर खा लेना और फिर फिर जो है खाने के बाद मुंह हाथ धोकर नहा वहाँ कर फिर से माला पहन लेना शरीर में तो चला ही गया ना भाई संस्कारों में तो चला ही गया तो फिर क्या बता रहे हो फिर तो इस तरह की बातें गुरु जी लोग जैसे शिष्य होते हैं वैसे ही चीजें फिर गुरु जी लोग भी करना शुरू कर देते हैं और अपने जैसे कि राजनीति चलती है ना राजनीति में एक्सेप्टेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रत्येक समुदाय नेताजी को एक्सेप्ट करे तभी तो नेताजी बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे तो एक्सेप्टेंस के चक्कर में नेता लगे रहते हैं यहां पर गुरु जी लोग भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि हमें हर लोग एक्सेप्ट कर लें कहीं ना कहीं ये चीज आ जाती है तो इसीलिए गुरु होना जरूरी है इसमें कोई संशय नहीं है परंतु जिस तरह का प्रचार हो रखा है गुरु को लेकर या गुरु होना जरूरी है इस बात को लेकर वैसी सोच रखकर नहीं चलना है और ये कल के व्याख्यान में आदि गुरु शंकराचार्य इस बारे में क्या कहते हैं क्योंकि तो गुरु होने से पहले कुछ और चीजें होना जरूरी है आपने जो पूछा कि गुरु होना गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है तो गुरु होने से पहले कुछ और चीजों का होना जरूरी है मोक्षता का होना जरूरी है वैराग्य का होना जरूरी है ठीक मोक्ष की तीव्र कामना होनी जरूरी है विविधिशा होनी जरूरी है जब यह सब सारी चीजें होंगी तब आगे बढ़कर फिर गुरु होना जरूरी अपना निजी प्रयास होना जरूरी है योग के मार्ग पर पहले अपने खुद का प्रयास तो कर लो वो प्रयास होना जरूरी है तब जाकर बाकी चीजें फिर तभी गुरु अगर आप अपनी सहायता नहीं करोगे तो गुरु भी आपका आपकी सहायता नहीं करेगा अगर आप अपने कल्याण में नहीं लगे हुए तो कोई गुरु भी आपका कल्याण नहीं कर पाएगा इसको लिख लीजिए ठीक है तो यह बात हमें समझनी चाहिए तो गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है बिना गुरु के सही ज्ञान सही रास्ता नहीं मिलेगा तो सही ज्ञान सही रास्ता देने वाले पहले गुरु तो मिले इसलिए एकलव्य ने भी बिना गुरु के ज्ञान लेना सही नहीं समझा वो एक अलग घटना है वो वो अपरा विद्या की चर्चा है पराविद्या की नहीं हम यहाँ पराविद्या की चर्चा कर रहे हैं हम अध्यात्म विद्या की चर्चा कर रहे हैं वो एक अलग घटना है आप द्रोणाचार्य और एकलव्य को यहाँ पर हम आध्यात्मिक परिवेश में नहीं लेकर आ सकते द्रोणाचार्य और एकलव्य को हम आध्यात्मिक परिवेश में नहीं लेकर आ सकते हैं क्योंकि वहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा नहीं थी वहां धनुर्विद्या की चर्चा थी वहां धनुर्विद्या की चर्चा थी तो इसीलिए वह एक अलग विषय हो जाएगा और वह कोई उचित विषय भी नहीं जब स्वयं भगवान कृष्ण ने इस बात की निंदा कर दी कि आचार्य द्रोण को ने जो भी किया एकलव्य के साथ वह अन्याय था वो सही नहीं था जब स्वयं श्रीकृष्ण ने ऐसा कह दिया तो निश्चय ही वो उस घटना को हम बहुत उचित नहीं कह सकते हैं और एकलव्य ने जो किया अपने स्वप्रयास से ही शुरू कर दिया द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उसने शुरू कर दिया तो उसकी इस उसकी इस, इच्छा शक्ति थी उसकी इच्छा शक्ति था उसका मनोबल था उसका आत्मविश्वास था और गुरु के ऊपर उसका अटूट विश्वास था जिसके कारण से उसने कर लिया उसने सीख भी लिया और पांडवों को आ, के सामने उसने अपने विद्या का प्रदर्शन भी कर लिया कर दिया ठीक है तो यह चीज है चलिए गौरव जी कॉन्ग्रेचुलेशन गुरु जी और चैनल गेन हंड्रेड के सब्सक्राइबर जी हाँ बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार आप सभी का इस दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल को